नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के विधायक बन गए विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट सदस्य। पैक्स को लेकर पटना हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बनेगा 110 नया बस स्टॉप। सीएम ने पंजाब में बिहार के 5 मजदूरों की मौत पर जताया शोक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह के खेलने पर सस्पेंस गहराया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पैक्स को लेकर पटना हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने उमेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सहकारिता विभाग को राज्य में पैक्स के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी करते हुए दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि नए गाइडलाइन के अनुसार अब एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पैक्स का सदस्य बन पाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को नीति बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा विभाग को पैक्स की वोटर लिस्ट में सुधार करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार में 15 जनवरी को प्रवेश करेगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास 15 जनवरी को बिहार में बक्सर में प्रवेश करेगा, जो पटना, सिमरिया, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, साहिबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचते हुए फरक्का होते हुए बांग्लादेश जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्रूज को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 13 जनवरी को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी, जो 32,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके बांग्लादेश पहुंचेगी। इसी दौरान यह क्रूज बिहार में भी प्रवेश करेगा। इस यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड के पर्यटक 8 दिनों तक बिहार में सफर करेंगे और बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जानेंगे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बनेगा 110 नया बस स्टॉप। बिहार से विभिन्न जिलों में बसों का परिचालन शुरू किया जा सके, इसके लिए राज्य में 110 नए बस स्टॉप बनाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इन बस स्टॉप के निर्माण को लेकर राज्य सरकार के द्वारा परिवहन विभाग को दिशा निर्देश दे दिया गया है। इसी दिशा निर्देश के तहत परिवहन विभाग की ओर से जगह चिन्हित करके रिपोर्ट मांगा गया है। मालूम हो कि बस स्टॉप का निर्माण विभाग के मुताबिक सड़क सुरक्षा को देखते हुए किया जा रहा है। वहीं विभाग के द्वारा बस चलाने के लिए परमिट करने की आवेदन तारीख 15 जनवरी तक निर्धारित की गई है। सीएम ने पंजाब में बिहार के 5 मजदूरों की मौत पर जताया शोक। पंजाब में बिहार के 5 मजदूरों की दम घुटने से दर्दनाक मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब में संगरूर में बिहार के 5 मजदूरों की दम घुटने से मृत्यु दुखद है। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को धैर्य धारण करने की शक्ति दे। स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को पंजाब सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतक के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंगीठी की आग से निकली धुएं से कमरे में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर की हालत अब भी गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के विधायक बन गए विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट सदस्य। विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा बिहार के विधायकों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बता दें कि अब बिहार के विधायक विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट के रूप में मनोनीत कर दिए गए हैं। बता दें कि विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट के रूप में जिन विधायकों को मनोनीत किया गया है, उनमें आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, पन्नालाल पटेल, अरुण सिन्हा, अनिरुद्ध कुमार, विजय कुमार, रेखा देवी, गोपाल रविदास, सिद्धार्थ सौरभ, सिद्धार्थ पटेल, डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नितिन नवीन, संदीप सौरभ, विजय शंकर दुबे, सत्यदेव राम, विजेंद्र चौधरी, वीरेंद्र गुप्ता समेत कई विधायकों के नाम शामिल हैं। डीएम ने बौद्ध महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। ज्ञानभूमि बोधगया के कालचक्र मैदान में 27 जनवरी से शुरू होने वाली 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2023 का जायजा लेने जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वीवीआईपी, वीआईपी, मॉन्क, मीडिया, महिला दरगाह, आम दरगाह आदि के बारे में जानकारी ली और साथ ही स्लिप अधीक्षक बोधगया तथा अनुमंडल पदाधिकारी सदर को निर्देश दिया कि किस गेट से किन लोगों की एंट्री होगी, इसका अभी से ही प्लान कर लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने पर्याप्त संख्या में टॉयलेट, पेयजल, साफ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग समेत कई चीजों की पर्याप्त संख्या में तैयार करने का निर्देश दिया है। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में नहीं मिले नए कोरोना मरीज। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 26,136 कोरोना वायरस सैंपल जांच किए गए, जिसमें एक भी नए केस सामने नहीं आए हैं। वहीं वैसे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इसके बाद वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की कुल संख्या 2 है। बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.555 है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अभी राज्य में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग आईजीआईएमएस में कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है।
वीटीआर में फिर आदमखोर बाघ ने किया हमला। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में एक बार फिर से आदमखोर बाघ ने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है। बता दें कि ताजा मामला वीटीआर के गोवर्धना रेंज के जंगल का है, जहां बाघ ने जलावन की लकड़ी चुनने गई एक 12 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उस स्थान पर लकड़ी तोड़ रहे लकड़हारे दौड़ते और शोर मचाते हुए पहुंचे तो बाघ जंगल की ओर भाग गया। वहीं घायल बच्ची को आनन फानन में रेफरल अस्पताल गौनाहा ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक वन विभाग के रेंज की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। बिहार में नए उद्योग के लिए 100 एकड़ से अधिक जमीन तैयार। बिहार में नए उद्योगों की स्थापना को लेकर 100 एकड़ से अधिक भूमि तैयार कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार सभी प्रकार के उद्यमियों के लिए अलग अलग भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिनमें लेदर पार्क के लिए 62.17 एकड़ जमीन, बैग क्लस्टर के लिए 10 एकड़ जमीन और चमड़े के कारखाने के लिए 34.64 एकड़ जमीन के लिए आवंटित की गई है। मालूम हो कि यह भूखंड मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय सहित अन्य जिलों में अवस्थित है। सुल्तानगंज से होगी अंतरदेशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी। भारत सरकार का अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उत्तरवाहिनी गंगा तट पर कम्युनिटी जेट्टी बनाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि इसके निर्माण के बाद उत्तरवाहिनी गंगा तट पर बस सुल्तानगंज को इस साल गंगा पुल मिलने के बाद इसकी कनेक्टिविटी अंतरदेशीय जलमार्ग से जुड़ जाएगी, जिससे देश विदेश से पानी के जहाज यहां पहुंच सकेंगे। इससे न केवल सुल्तानगंज बल्कि भागलपुर जिला को भी आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। इस कम्युनिटी जेट्टी के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि बाबत अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक के द्वारा सुल्तानगंज के सीओ से जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिसमें इसके निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की मांग की गई है। समाधान यात्रा को लेकर नीतीश कुमार ने विरोधियों को दिया जवाब। इन दिनों विपक्षी पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर लगातार तंज कसा जा रहा है, लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपने विरोधियों को जवाब दे दिया है। बता दें कि बीते दिन नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान सारण जिला पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन आगे और किया जाना जरूरी है। इसी को जानने और देखने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। इसके बाद आगे जो कुछ भी करना होगा उसे हम लोग जरूर कहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि तापमान चाहे 4 डिग्री सेल्सियस रहे या 44 डिग्री सेल्सियस, हम हमेशा घूमते रहेंगे। आनंद मोहन को इस दिन मिल सकती है रिहाई। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को 26 जनवरी को रिहाई मिल सकती है। दरअसल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में यह फैसला लिया गया है कि जिनका जेल में व्यवहार कुशल रहा है उन्हें 26 जनवरी को रिहाई दी जाएगी। वहीं रिहाई दी जाने वाली इस सूची में आनंद मोहन का भी नाम शामिल हो सकता है। बता दें कि आनंद मोहन पिछले 15 सालों से गोपालगंज के पूर्व डीएम की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। मालूम हो कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार के सामने कई बार बात रखी जा चुकी है। वहीं आनंद मोहन ने अपनी सजा के दौरान कभी पैरोल की मांग नहीं की थी। इसके साथ ही सरकार के हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें 26 जनवरी को रिहाई मिल सकती है। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर तंज। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा गया है कि सीएम नीतीश कुमार वोट डालने की क्षमता खो चुके हैं और अब वो आरजेडी पर बोझ बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के लिए लगातार शिखंडी, नाइट वॉचमैन, तानाशाह जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें केवल चेतावनी दी जा रही है। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह पर आरजेडी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए पार्टी के दूसरे विधायक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपना बयान देने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह के खेलने पर सस्पेंस गहराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पीठ दर्द की समस्या से उभरने के लिए बुमराह को रिहैब से गुजरना होगा, जिसमें उन्हें 1 महीने का समय और लग सकता है। वहीं अगर उनके रिहैब से सब कुछ ठीक होता है तो बुमराह फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे हाफ में नजर आ सकते हैं। मालूम हो कि आज श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे वनडे सीरीज से भी बुमराह ने अपना नाम वापस ले लिया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.36 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109.11 रुपए और डीजल 95.76 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए और डीजल की कीमत 94.75 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, राबिया बाश्री, रवि मोहन वर्मा, सज्जन
कुमार झा, मोहम्मद नौशद राजा, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, शंकर मुखिया, प्रमोद राम, के सिन्हा, जयप्रकाश यादव, धनंजय कुमार राम, प्रमोद कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार के द्वारा पैक्स के नियम में जो बदलाव किया गया है उससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।